हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपनी वेबसाइट रिव्यू सीरीज का दूसरा पार्ट ला रहे हैं। दूसरा पार्ट से मेरा मतलब है कि हम अपनी वेबसाइट रिव्यू सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जहां पे मैं हर हफ्ते एक वीडियो लाता हूं, जहां पे मैं आपके ब्लॉग्स का रिव्यू करता हूं। एंड नॉट जस्ट दैट, मैं आपको टिप्स देता हूं कि कैसे आप अपने ब्लॉग को ग्रो कर सकते हो एंड उस पर लाखों का ट्रैफिक लाके हजारों और लाखों डॉलर उस पर बना सकते हो। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगेन, आज की इस वीडियो में मैं कुछ 40 से 50 ब्लॉग का रिव्यू करूंगा। एंड मैंने आज की वीडियो के लिए कुछ सोचा है बहुत इंटरेस्टिंग, कि जो लोग अच्छा काम कर रहे होंगे ना, उनको मैं थोड़ा और डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन दूंगा। एंड काफी सारे लोगों का मेरे को लास्ट वीडियो पे कमेंट आया था कि न्यूज ब्लॉग क्यों नहीं बनाना चाहिए। तो दोस्तों, उसका आंसर मैं ये देना चाहूंगा आपको कि दोस्तों, न्यूज ब्लॉग बनाने की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बहुत सारे लोग ना एक दूसरे को देख के न्यूज ब्लॉग तो बना रहे, पर न्यूज ब्लॉग पे न्यूज ब्लॉग जैसा काम नहीं करते हैं वो। तो ये प्रॉब्लम है मेरे को न्यूज ब्लॉग बनाने से, कि आप बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप इतने मेहनत से, इतने पैसों से आप डोमेन होस्टिंग खरीदते हो और आप एक गलत डोमेन परचेज कर रहे हो, जिससे कहीं ना कहीं आपके वेबसाइट बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये इफेक्ट ना पड़े, आप एक गलत डायरेक्शन में ना जाओ। मैं ये नहीं कह रहा न्यूज ब्लॉग बनाना गलत है, पर अगर आप एक बिगिनर हो तो बिगिनर होने के नाते आपको ये बहुत ज्यादा जरूरी है एसईओ के बेसिक्स समझना, कि एसईओ वर्क कैसे करता है। एंड न्यूज ब्लॉग का एसईओ बहुत डिफरेंट होता है जनरल एसईओ ब्लॉग और नीच वेबसाइट से। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले आप एक न्यूज और एक न्यूज ब्लॉग बनाने के बजाय आप एक नीच साइट टाइप वेबसाइट बनाओ, जहां पे आप पहले एसईओ की अंडरस्टैंडिंग समझो कि एसईओ वर्क कैसे करता है, जाके आप न्यूज ब्लॉग बना सकते हो जब आपकी 4-5 लोगों की टीम हो। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं वेबसाइट रिव्यू की तरफ एंड देखते हैं कि आप लोगों ने कैसी वेबसाइट्स बनाई है एंड कैसी वेबसाइट्स पर काम कर रहे हो। यहाँ पे काफी सारे रिपीटेड सबमिशंस थे, उनको मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ। एंड यहाँ पे सबसे पहले है 1minutenayakhabar.com, अगेन न्यूज ब्लॉग, एंड अगेन बहुत ज्यादा ट्रैफिक इनकी वेबसाइट पे आ नहीं रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली न्यूज ब्लॉग का मैंने आपको रीजन बताया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग की तरफ, vestied.com। ओके, तो इनके ब्लॉग पे मेरे को ट्रैफिक ठीक ठाक आता हुआ दिख रहा है। तो एक बार अब इनके ब्लॉग को मैं ना डिटेल्ड में स्टडी करता हूँ, आपको बताता हूँ कि कैसे ये अपने ब्लॉग को और अच्छा ग्रो कर सकते हैं। सो उसके लिए हम एक बार आ जाते हैं, वेबसाइट को चेक करते हैं। सो ओके, इनका अगर हम ब्लॉग देखें कि किस बारे में इन्होंने ब्लॉग बनाया हुआ है, तो इनका ब्लॉग है बिजनेस टेक्नोलॉजी। अगेन, काफी सारे डिफरेंट नीशेस के ऊपर इन्होंने ब्लॉग बनाया हुआ है, वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करता। एक सिंगल नीच के ऊपर आप काम करो, ज्यादा बेटर रहेगा। इनके कीवर्ड्स यूएस के अंदर रैंक कर रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड बिफोर आप मेरे से पूछो, मैं ये वेबसाइट रिव्यू करने के लिए दोस्तों एचरेफ्स टूल का यूज कर रहा हूँ। आप सिमिलर वे में सेमरश और moz.com का यूज कर सकते हैं, फ्री के टूल्स हैं वो, बट क्योंकि मैं एचरेफ्स खुद पर्सनली यूज करता हूँ, तो मैं आपको बेस्ट सजेशन एचरेफ्स से दे सकता हूँ। सो अगर हम देखें तो ये काफी अच्छे अच्छे कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं। तो मेरी आपको एडवाइस यही है कि जैसे लेट्स सपोज ये आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, करेक्ट, ये सारे आपके कॉम्पिटिटर्स हैं जिनके DRPR वगैरह कम है, जैसे इन हाउस मार्केटिंग हो गया। ये अगर हम और वेबसाइट देखें तो ये भी देखिए DA5 की वेबसाइट है। ये जो अदर वेबसाइट आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपको क्या करना है, इनके ना जाके आर्टिकल्स को चेक करना है कि ये किस टाइप के आर्टिकल्स लिख रहे हैं। आप भी सिमिलर आर्टिकल लिखना चालू कर दो, आपको कहीं ना कहीं ट्रैफिक में इंक्रीज दिखेगा एंड ऐसे आप अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक इंक्रीज कर पाओगे। अगर मैं इनके पेज सजेशंस की बात करूं कि इन्होंने आर्टिकल्स कैसे लिखे, एक बार वो देख लेते हैं। तो आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो आर्टिकल्स ओके, इनकी वेबसाइट पे 404 एरर है। तो सबसे पहले अपनी वेबसाइट पे ये एरर्स को फिक्स करिए, ऐसे 404 नहीं आना चाहिए। अगर हम इनके आर्टिकल्स को देखिए तो वेबसाइट डिजाइन इन्होंने काफी अच्छा करा हुआ है एंड आर्टिकल्स भी ये ठीक लिख रहे हैं। तो आपको बस जरूरत है ज्यादा बेटर तरीके से बड़े आर्टिकल्स लिखने की और अच्छे कीवर्ड पे आर्टिकल्स लिखने की, करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्लॉग की तरफ, developdigitally.com। अगेन, ये भी मेरे को शायद एक न्यूज ब्लॉग ही लग रहा है, इसके 0 कीवर्ड इंडेक्स है। रीजन मैंने आपको बताया कि इनके 0 कीवर्ड क्यों इंडेक्स है, क्योंकि इन्होंने न्यूज ब्लॉग बना तो लिया पर न्यूज ब्लॉग पे काम नहीं कर रहे। एक आर्टिकल 16 को गया, एक आर्टिकल 19 को गया, फिर 23 को गया। कभी आपने कोई न्यूज वेबसाइट देखी है जो 4-4 दिन के गैप पे सिर्फ एक एक आर्टिकल डाल रही है? यही रीजन है मेरा न्यूज ब्लॉग ना बनवाने का आप लोगों से, कि न्यूज ब्लॉग सही डायरेक्शन नहीं है। आप इतने डेडिकेशन एफर्ट से काम नहीं कर पाओगे अभी एज अ बिगिनर। बेटर है कोई सिंगल नीश नीश ब्लॉग, माइक्रो नीश ब्लॉग बनाओ, उससे आपको एसईओ की अंडरस्टैंडिंग होगी एंड वो आपके लिए ज्यादा बेटर वर्क करेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग की तरफ, financefunda.com। ओके, फाइनेंस नीश के ऊपर ब्लॉग है, तो ये भी बहुत अच्छी नीश बिगिनर्स के लिए नहीं है, पर फिर भी मैं इसका डिटेल्ड एनालिसिस कर रहा हूँ क्योंकि इनके पास ट्रैफिक आ रहा है। तो दोस्तों, वीडियो लंबी होने वाली है, साथ में कुछ चाय कॉफी वगैरह आप ले लीजिए।
सो अगेन इनके ब्लॉग का DR 0 है पर फिर भी इनके पास ट्रैफिक आ रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है। इनके अगर हम कीवर्ड्स देखें तो ये सारे कीवर्ड इनके रैंक कर रहे हैं, बहुत अच्छी इन्होंने कीवर्ड रिसर्च करी हुई है, बहुत अच्छा लगा मेरे को ये देख के। अब एक बार इनके ब्लॉग को ना डिटेल्ड में रिव्यू कर लेते हैं। अगेन ये बहुत एक्टिवली आर्टिकल्स डाल रहे हैं, अच्छे कीवर्ड इन्होंने पिक करे और कितना सुंदर तरीके से ये अपने ब्लॉग्स को लिख रहे हैं, बहुत अच्छा आपने काम किया हुआ है, वेल डन। मैं आपको कहूंगा आपका ब्लॉग फ्यूचर में काफी अच्छा ग्रो करेगा इसी तरीके से आप रेगुलर काम और रेगुलर आर्टिकल्स डालते रहो। अभी मेरे को थोड़ी सी कमी लग रही है नंबर ऑफ आर्टिकल्स में, बट यस आप रेगुलर ऐसे ही काम करते रहो, डेफिनेटली आपका ब्लॉग बहुत तेजी से बहुत अच्छा ग्रो करेगा। आप इस ब्लॉग से अच्छे खासे पैसे बना पाओगे क्योंकि फाइनेंस नीच में ब्लॉग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्लॉग की तरफ। नेक्स्ट ब्लॉग हमारा है accessoriesguide.com। ओके, तो इन्होंने अफिलिएट ब्लॉग बनाया हुआ है, नीच अच्छी चूज करी है, डिजाइनिंग आपको अपनी वेबसाइट की थोड़ी सी बेटर करनी पड़ेगी, इसके साथ साथ अभी आपके कीवर्ड्स नहीं पिक हुए हैं तो उसका रीजन ये है कि आपने नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है वो थोड़े से कम डाले हुए हैं अभी, तो इसको आपको थोड़ा इम्प्रूव करना होगा, थोड़े बेटर आर्टिकल्स, थोड़े ज़्यादा आर्टिकल डालने पड़ेंगे। एंड अगर हम आपके आर्टिकल्स की क्वालिटी देखें कि आप कैसे क्वालिटी के आर्टिकल्स लिख रहे हो, तो डिज़ाइन के लिए मैंने आपको फीडबैक दे दिया, आर्टिकल्स की आपको लेंथ बढ़ानी पड़ेगी और फॉर्मेटिंग पर काम करना पड़ेगा, तो जाके आपका ब्लॉग जो है वो अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्लॉग की तरफ, यह है sahudigital.com। ओके, तो इन्होंने AI के ऊपर ब्लॉग बनाया है, काफी अच्छी नीश है दोस्तों AI के ऊपर काम करना। देखते हैं इनकी वेबसाइट पे क्या ट्रैफिक आ रहा है। ओके, ट्रैफिक अभी नहीं आ रहा है इनकी वेबसाइट पे, क्या रीजन हो सकता है एक बार वो फिगर आउट करते हैं। ओके, रीजन मेरे को यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये आर्टिकल्स बहुत कम डाल रहे हैं, इन्होंने 1.5 महीने से अपनी वेबसाइट पे कोई आर्टिकल डाला ही नहीं है। लास्ट आर्टिकल जो इन्होंने डाला है वो 15 नवंबर 2023 का डाला है। क्या फायदा दोस्तों, मतलब आप 2-2 महीने आर्टिकल नहीं डाल रहे हो और आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, कोई मतलब नहीं है। इससे बेटर है कि हम मत करो। तो एंड ऐसे वेबसाइट रिव्यू में फॉर्म भी भरने का कोई मतलब नहीं क्योंकि मैं क्या ही कर पाऊंगा। देन फिर ये वेबसाइट है theentertainmentera.com। ओके, इनकी वेबसाइट नहीं चल रही है, प्लीज कॉन्टैक्ट योर होस्टिंग प्रोवाइडर। अगर आपको वेब होस्टिंग में दिक्कत आ रही है तो मैं आपसे बोलूंगा होस्टिंग करके वेब होस्टिंग लीजिए, आपको नीचे लिंक दिया गया है, अगर आप मेरा कूपन कोड, उस लिंक पर क्लिक करके मेरा कूपन कोड लगाते हैं कुशल10, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। उसके साथ के साथ आपको मैं दूंगा काफी सारे फ्री प्लगइन्स एंड थीम वर्थ $500 की। तो अगर आपको फ्री गुडीज चाहिए मेरे से, नीचे दिए गए लिंक से होस्टिंगर खरीदिए, मेरा कूपन कोड लगाइए एंड मेरे को ईमेल करिए अपनी इनवॉइस, आपको मैं बढ़िया थीम्स और प्लगइन्स दूंगा आपकी वेबसाइट के लिए। नेक्स्ट ब्लॉग है फ्री रेसिपीज, काफी अच्छा, काफी अच्छी नीश है आपने चूज करी हुई, मेरी फेवरेट नीश है, बट एक बार देखते हैं कितना ट्रैफिक वगैरह आपको आ रहा है। ओके, 9 कीवर्ड आपके इंडेक्स हैं, ठीक है कोई बात नहीं, काम तो आप काफी टाइम से कर रहे हो, पर ओनली प्रॉब्लम जो आपको मेरे को लग रही है ना कि आप कंसिस्टेंसी के साथ आर्टिकल्स नहीं डाल रहे हो। मतलब 4 जनवरी को आपने आर्टिकल डाला है, 4 जनवरी के बाद आपने 3 जनवरी को डाला है, फिर 7 अक्टूबर को डाला है, 2-2 महीने का गैप कौन डालता है। एंड एक एक नीश करके रेसिपीज भी ना काफी बड़ी है, आप एक एक करके पकड़ो। जैसे लेट्स सपोज आपने सिर्फ पराठा एज अ टॉपिक पकड़ लिया, पराठा के ऊपर सारे आर्टिकल्स लिखो, लेट्स सपोज आपने टोमेटो चटनीज के ऊपर पिक कर लिया तो चटनीज के ऊपर फिर सारे लिखो, ऐसे करके आपने ब्लॉग को ग्रो कर सकते हो, राइट। जैसे अभी आप कर रहे हो कि 2-2 महीने 3-3 महीने आर्टिकल नहीं डाल रहे हो, ऐसे आपका ब्लॉग नहीं ग्रो करने वाला है। यहाँ पे देखो आपकी वेबसाइट के जो URLs है वो नहीं खुल रहे, तो ये भी एक बहुत बड़ा टेक्निकल इशू हो सकता है आपकी वेबसाइट के साथ, अपने होस्टिंग प्रोवाइडर को कॉन्टैक्ट करके इसको फिक्स कराइए। नेक्स्ट वेबसाइट है upculture.org। अगेन इनकी भी वेबसाइट नहीं चल रही है दोस्तों, आप लोग की वेबसाइट ही नहीं चल रही है, आपकी वेबसाइट के टेक्निकल इतने ज्यादा हिले हुए हैं, कैसे आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा, क्यों गूगल आपकी वेबसाइट को प्रेफर करेगा, पहले आपको ये सारे टेक्निकल एरर्स को फिक्स करना है। देन है indianjob.in। ओके, जॉब वेबसाइट है, ओके, इस पर ट्रैफिक आ रहा है, काफी अच्छी बात है। एंड अगर हम देखें तो ये रेगुलर आर्टिकल्स भी डाल रहे हैं एंड काफी सारे आर्टिकल्स इन्होंने डाले, बहुत अच्छी बात है। एक बार इनकी वेबसाइट को हम रिव्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या दिक्कत हो सकती है। ओके, तो DA इनका ठीक है, सब बढ़िया है, कीवर्ड्स भी इनके पिक हो रहे हैं। एंड अभी ना आपको अपने, पहली बात तो पहला सजेशन जो आपके लिए है वो ये कि आपको ना ये वाले URL स्ट्रक्चर नहीं रखना था, ठीक है, बट कोई बात नहीं आपने रख लिया है, तो ये आपको नहीं रखना था, पर आप कोशिश करिए थोड़े ज़्यादा जल्दी आर्टिकल्स डालिए एंड आर्टिकल्स की भी थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाइए, पर डे 3-4 आर्टिकल डालिए, क्योंकि जॉब भी थोड़ी कॉम्पिटिटिव नीच तो अब हो गई है, बट स्टिल आप ग्रो कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट पर अभी भी ट्रैफिक आ रहा है, अच्छी बात है। ps3study.in, ओके, इन्होंने गवर्नमेंट जॉब का ब्लॉग बनाया है,
इन्होंने गवर्नमेंट जॉब का ब्लॉग बनाया है, आर्टिकल्स तो ये डाल रहे हैं, पर ओनली प्रॉब्लम जो मेरे को इनके आर्टिकल्स पे लग रही है वो ये लग रही है कि इनकी वेबसाइट पे टेक्निकल इश्यूज हैं। टेक्निकल इश्यूज से मेरा मतलब है इंडेक्सिंग इश्यूज इनकी वेबसाइट पे हैं, तो आपको अपने इंडेक्सिंग इश्यूज को ठीक करना है। गूगल सर्च कंसोल में जाके आप इंडेक्सिंग इश्यूज को ठीक कर सकते हो, फिर आपके ब्लॉग्स जब जाके इंडेक्स होंगे तभी तो वो रैंक होंगे, अभी आपके ब्लॉग्स इंडेक्स भी नहीं हो रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्लॉग की तरफ, digitalstudyadda.com। ओके 25,000 का ट्रैफिक है, काफी अच्छी बात है। ओके क्या कर रहे हैं ये अपने ब्लॉग पे, काफी बढ़िया बात है, इन्होंने काफी अच्छा अपने ब्लॉग को ग्रो करा है, अच्छा लगा देख के। कृषा कर मधुर ये ओके, जिस भी टाइप के आप कीवर्ड कवर कर रहे हो काफी सही है। आपको मेरे अभी सजेशंस के ऐसा कोई नीड नहीं है, बस ये ऑथर सेक्शन थोड़ा बना दो, आर्टिकल्स की लेंथ थोड़ी बढ़ा दो, थोड़ी और इमेजेस वगैरह बढ़ा दो, कहीं ना कहीं आपका ब्लॉग और अच्छा खासा ग्रो कर सकता है। नीश आपने बढ़िया पिक करी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेक की खबर, ये ऑलरेडी ब्लॉग में रिव्यू कर चुका हूं, रिपीटेड रिव्यू नहीं करने वाला। dailyguns.com.pk ओके, इन्होंने भी न्यूज ब्लॉग बनाया है एंड ये भी ब्लॉग में रिव्यू कर चुका हूं अपनी लास्ट की वीडियोज में, तो आप पुरानी वीडियो जाके आप देख सकते हो मेरी। ये ब्लॉग है शायद ये किस लैंग्वेज में है, लैंग्वेज का मेरे को थोड़ा आइडिया नहीं लग पा रहा, ठीक है कोई बात नहीं। कीवर्ड्स अगर हम देखें तो कीवर्ड इनके पिक नहीं हो रहे हैं क्योंकि अगेन सेम रीजन, न्यूज ब्लॉग है। जॉब ओनली फॉर यू, ये भी ब्लॉग में रिव्यू कर चुका हूँ, नहीं करने वाला। फिट बंगला tips.org ठीक है, तो इन्होंने अगेन बंगला में हेल्थ ब्लॉग बनाया है। कीवर्ड आपके पिक हो रहे हैं पर आपको ट्रैफिक नहीं आ रहा, रीजन वही है कि मैं हेल्थ ब्लॉग बनाने से भी मना करता हूँ क्योंकि हेल्थ ब्लॉग्स जो है वो कॉम्पिटिटिव होते हैं। हेल्थ ब्लॉग्स कहीं ना कहीं बने होते हैं उन लोगों के लिए जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, जिनके पास प्रॉपर एक टीम है, करेक्ट। सो आपको हेल्थ ब्लॉग बनाना अवॉइड करना है एंड आपको किसी माइक्रो नीच ब्लॉग को बनाना है जो कि इजी टू रैंक हो। ओके तो हमारे 20 ब्लॉग रिव्यू हो चुके हैं, अब हम एक बार और 10 ब्लॉग्स को खोल लेते हैं, यहाँ पे हम इनको मार्क कर लेते हैं। ब्लॉगस्पॉट का ब्लॉग है दोस्तों, ये मैं रिव्यू नहीं करने वाला, इतने कंपटीशन भरे जमाने में आप ब्लॉगस्पॉट का ब्लॉग बना भी क्यों रहे हो, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मत बनाओ .blogspot वाला ब्लॉग। शेयर मार्केट insider.com ठीक है, अच्छी नीश इन्होंने चूज करी है, पर ऑब्वियसली ये थोड़े कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स पे आर्टिकल लिख रहे हैं। आपको आर्टिकल्स लिखने हैं लेस कॉम्पिटिशन वाले कीवर्ड पे, आर्टिकल्स तो आप सही लिख रहे हो, वेबसाइट भी आपकी सही तरीके से डिजाइंड है, पर आपको कीवर्ड्स जो है वो थोड़े ईजी पिक करने हैं। मैंने ऑलरेडी कीवर्ड रिसर्च के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, वो जाके देखोगे आप ईजी कीवर्ड कैसे पिक कर सकते हो। gadget360hindi.com अगेन न्यूज ब्लॉग रिव्यू नहीं हो रहा। khemulnews.online न्यूज ब्लॉग रिव्यू मैं नहीं करने वाला दोस्तों, मेरे को बहुत पसंद नहीं है। पकवानधी ओके, न्यू रेसिपी ब्लॉग है, बहुत अच्छी बात है, ट्रैफिक भी आ रहा है आपके ब्लॉग पे। एंड आपको भी मैं लास्ट ब्लॉग की तरह एक ही सजेशन दूंगा कि आप जो है थोड़ी बड़ी रेसिपीज लिखो, ज्यादा से ज्यादा इमेजेस ऐड करो अपने ब्लॉग के अंदर, वीडियोस कोशिश करो ऐड करने की, एंड उसके साथ साथ एक एक टॉपिक करके आप सारी रेसिपीज लिखो। मतलब लेट्स सपोज अगर आप सब्जियों के बारे में लिख रहे हो तो पहले सारी सब्जियों के बारे में लिखो, बीच में उसमें चटनी या एक्स वाई जेड सॉस वगैरह के बारे में मत लिखो, करेक्ट। सो ये अगर आप सजेशंस लेते हो, वेबसाइट का डिजाइन अच्छा करो, इतने ज्यादा कलर्स नहीं रखे जाते, प्लेन व्हाइट रखो, थोड़ा अच्छा कस्टमाइज करो, आपका ब्लॉग ग्रो कर सकता है। mantrapdf.com ओके, काफी यूनिक नीश पे इन्होंने ब्लॉग बनाया हुआ है पीडीएफ के ऊपर की पीडीएफ डाउनलोड वगैरह। नीश आपकी अच्छी है, कीवर्ड आप डालते रहो आपका, और दूसरी लैंग्वेज में भी आप हो तो डेफिनेटली आपका ब्लॉग ग्रो कर जाएगा, इतनी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। theusamedianews.com ओके, न्यूज ब्लॉग है, चेक कर लेता हूँ पर मैं रिव्यू इसको नहीं करने वाला, ज्यादा ट्रैफिक नहीं आ रहा, रीजन बहुत सिंपल है। theapkmart.org एपीके वाला ब्लॉग है इनका एंड इनके ब्लॉग पर ट्रैफिक तो आ रहा है, एक बार देख लेते हैं किन टाइप के कीवर्ड ये कवर कर रहे हैं। थोड़ी दिक्कत तो है इनके ब्लॉग के साथ, इन्होंने आर्टिकल्स ही नहीं ज्यादा डाले हुए, तो पहले आप आर्टिकल्स डालिए, अपने होम पेज के डिजाइन को थोड़ा अच्छा करिए तो जाके आपका ब्लॉग अच्छे से ग्रो करेगा। इमिग्रेशन इंटेलिजेंस ओके, अच्छा अच्छी काफी अच्छी स्मार्ट नीश है, पर आपने अगेन आर्टिकल्स बहुत कम डाले हुए हैं, आपको आर्टिकल्स अपने बढ़ाने पड़ेंगे। दो आपका ब्लॉग ग्रो कर रहा है बट ज्यादा ग्रो तब करेगा जब आप ज्यादा आर्टिकल्स और ज्यादा कीवर्ड्स को कवर करोगे। sawtimes.com ओके, न्यूज ब्लॉग रिव्यू हम नहीं कर सकते। बढ़ते हैं अपने और आज के लास्ट 10 ब्लॉग की तरफ। ये देखिए दोस्तों इन्होंने क्या किया हुआ है, वेबसाइट है कि नहीं उसमें यस भरा हुआ है। अब क्या बोला जाए ऐसे लोगों को, मतलब आपको बहुत ध्यान से चीजों को देखना है, मतलब ऐसे कैसे आप कर सकते हो।
tuckideas.com ओके टेक नीश का ब्लॉग है, आर्टिकल्स भी ये डाल रहे हैं, थोड़े ज्यादा आर्टिकल्स आपको डालने पड़ेंगे, ट्रैफिक भी आ रहा है इनके ब्लॉग पे, तो थोड़े आर्टिकल्स की आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, कोशिश करो रोज के कम से कम 2 या 3 आर्टिकल्स आप डालो, एंड आर्टिकल्स की लेंथ भी आपको बढ़ानी पड़ेगी, अभी आपके आर्टिकल्स की लेंथ बहुत बहुत छोटी है, आर्टिकल्स की लेंथ बढ़ाओ, कीवर्ड ज्यादा कवर करो, ब्लॉग आपका ग्रो कर जाएगा। तत्काल अपडेट्स, न्यूज ब्लॉग नहीं रिव्यू हो रहा अगेन, यहाँ पे फिर एक हेल्थ ब्लॉग है, हेल्थ ब्लॉग दोस्तों मत बनाओ, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है हेल्थ ब्लॉग पे, और वो दिख रहा है कि इनका ब्लॉग ग्रो नहीं कर रहा है, तो हेल्थ ब्लॉग नहीं, finance.in ठीक है, काफी अच्छी नीश इन्होंने चूज करी है, कीवर्ड्स भी अच्छे पिक कर रहे हैं, बस आपको अपनी वेबसाइट की थोड़ी डिजाइनिंग पे काम करना होगा एंड थोड़े कीवर्ड्स को और रेगुलरली डालना होगा। अगेन इनके ब्लॉग पे मैं वही देख रहा हूँ कि नवंबर के बाद इन्होंने कोई आर्टिकल नहीं डाला है, ऐसा कैसे चलेगा दोस्तों, अगर आप आर्टिकल्स ही पब्लिश नहीं करोगे कैसे आप अपने ब्लॉग को ग्रो करा पाओगे। तो phoneinto.com नेक्स्ट ब्लॉग है हमारा, ये कीवर्ड इनके काफी सारे पिक है, पर क्योंकि फोन्स एक टेक नीश में है जो कि बहुत कॉम्पिटिटिव नीश है, इनको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, तो हाँ अगर ये मेहनत करेंगे डेफिनेटली इनका ब्लॉग अच्छा खासा ग्रो कर सकता है, पर आई विल से कि आप नीश ब्लॉग बनाओ, फोन के ऊपर ही बना लो, डोमेन नेम आपका अच्छा है, फोन के ऊपर ही नीश ब्लॉग बनाओ, आपका ब्लॉग ग्रो कर सकता है। khabarindia.com न्यूज ब्लॉग हम रिव्यू नहीं कर रहे। हेयर केयर एंड मून, ओके हेयर केयर के ऊपर इन्होंने ब्लॉग बनाया है, कीवर्ड्स काफी सारे ये डाल रहे हैं पर आर्टिकल्स इनके थोड़े कम हैं, तो आपको यही सजेशन है, नीश आपने अच्छी चूज करी है, कीवर्ड्स आपके थोड़े से पिक हुए हैं, आपको ज्यादा आर्टिकल डालने पड़ेंगे, डिजाइन वगैरह आपके ब्लॉग का काफी अच्छा है, वेल डन, बस थोड़ा लोगो आप ठीक कर लो, दैट्स इट, और कीवर्ड्स रेगुलरली डालो, आपका ब्लॉग डेफिनेटली ग्रो करेगा। एंड कीवर्ड वाइज अगर मैं बात करूँ तो बेस्ट शैम्पू फॉर ऑयली हेयर की जगह थोड़ा और बड़ा कीवर्ड चूज करो, मतलब जैसे बेस्ट शैम्पू फॉर ऑयली एंड ड्राई हेयर और समथिंग लाइक दिस, मतलब थोड़े बड़े कीवर्ड्स, ताकि आर्टिकल्स आप सही लिख रहे हो, थोड़ा सा डिजाइनिंग पर काम करो, आर्टिकल्स की लेंथ थोड़ी सी बढ़ाओ एंड कीवर्ड्स जो है वो थोड़े से ईजी पिक करो। पीके टेक वर्ल्ड अगेन न्यूज ब्लॉग हम रिव्यू नहीं कर रहे। बेस्ट airphone.com इन्होंने स्पेलिंग ही गलत लिखी हुई है एंड ये भी कहीं ना कहीं न्यूज ब्लॉग पे काम कर रहे हैं, जिसका रीजन है कि इनके ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है। दोस्तों दिस इज इट आज की मेरी वीडियो के लिए, मैंने 40 ब्लॉग्स को रिव्यू किया आपके सामने एंड मैंने आपको बताया कि आप कैसे अपने ब्लॉग को ग्रो कर सकते हो। अगर आपको ये वेबसाइट रिव्यू सीरीज में अपने ब्लॉग को टेस्ट कराना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जाके मेरे कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में भी फॉर्म का लिंक है, फॉर्म को जाइए भरिए, अच्छे से भरिए, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।